आज मेरे साथ जुड़े हैं सुनील जी, जो कि 14वीं बटालियन भरतपुर से भर्ती हैं, और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान पुलिस का आज रिजल्ट आने वाला था, वो कब तक आ सकता है और ये आज या कल में आ जाएगा, और ये दोस्तों ये बताएंगे आपको फिजिकल कैसे करना है। तो सुनील जी बताइए जरा, जो रिजल्ट है वो आज या कल में आ जाएगा और टाइम लगेगा अभी? जय हिंद दोस्तों, कुछ ही पलों में आने वाला है आपका रिजल्ट। बिल्कुल दोस्तों, आज या कल में पक्का आपका रिजल्ट आने वाला है 2-3 दिनों के अंदर। तैयारी चालू कर दो, और कुछ भी नहीं है पुलिस के फिजिकल में, कुछ भी नहीं है, पहले से जिसकी तैयारी है नॉर्मल फिजिकल है वो आराम से निकाल सकता है, उसके 5 से 6 दिन की तैयारी में आराम से रेस निकाल सकता है दोस्तों। नहीं है, ये सुनील जी का कहना है कि आप 5 से 6 दिन भी अगर अच्छी तरह तैयारी कर लें तो आराम से आप फिजिकल फाइट कर सकते हो। यदि आप अभी तक आपने दौड़ नहीं की है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है कि मैंने दौड़ कोई टफ काम नहीं है बिल्कुल भी, मुश्किल से 5 या 6 दिन तैयारी करो बस, आराम से निकल जाएगा। पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखना है बस, आराम से, एक दिन आराम से जान लगा दो, आराम से निकल जाएगी दौड़, कोई टफ नहीं है, ठीक है? 5 से 6 दिन तैयारी की मैंने बस, मुश्किल। मैं आपको बताऊंगा सुनील जी ने 5 किलोमीटर मात्र 20 मिनट में, जो भी सिर्फ 5 से 6 दिन तैयारी में, हाँ बस स्टेमिना होना चाहिए जिसके। और यहाँ पे भी हमारे PMDS ड्राइवर में जो हमारा बैच चल रहा है 10 किलोमीटर दौड़ होती है 37 मिनट में, और फर्स्ट और हमेशा सेकंड या फर्स्ट स्थान का आता था, तो इतनी अच्छी दौड़ है इनकी। बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, उस दिन जुनून रहता है, उस दिन तो वैसे भी आराम से निकाल सकते हो, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है दौड़ का, दौड़ का बिल्कुल टेंशन मतलब बस। अब आपका रिजल्ट आते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 5 गुना में पास हुआ हूँ, जैसे ही आपका रोल नंबर आ जाता है आपको कुछ नहीं सोचना है, ये मान लो कि आप 50% कवर कर चुके हो, आप एकदम सिपाही बनने वाले हो, तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस वहीं से आपकी शुरू हो जाती है। आज हमारी ड्यूटी थी पवासवाड़ा में, ड्यूटी करके आए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा यहाँ पे POP वाला, आज हमारे POP का लगा था। और देखो CM सर आए थे, ये देखो आपको दिखा देते हैं, देखो ये भी हमारे साथी। और बताइए सुनील जी कुछ अपनी मतलब पुलिस की लाइफ स्टाइल कैसी है, और उसके आपकी बहुत ही शानदार है, वर्दी लगाते हो, बहुत ही जुनून रहता है। सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया जरा बताइए इनको, और पहले कैसे क्या था और अब क्या? लोगों का टेंशन ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये वर्दी है, वर्दी को सब लोग सलाम करते हैं, सबसे बड़ी यही फ़ायदा है इसका, और तो मैं बहुत ही अच्छा टेंशन मिलता है, लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि तुम एक सेवा। दोस्तों जो कट ऑफ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ गर्ल्स की 80 के आसपास और बॉयज़ की 90 के आसपास रहने वाली है। बिल्कुल ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जिसके पास 100% से 100 पे यदि 100 तक आप पहुंच चुके हो तो 100 का तो हो गया, वो तो फाइनल अपने आप को सेलेक्ट मान सकता है, सब उसको फाइनल करना है 100 नंबर पे, तो चाहे वो REC से हो चाहे किसी भी ज़िले से हो, तो उसकी तो चिंता ही नहीं है दोस्तों। और ड्राइवर की बता देता हूँ, ड्राइवर की थोड़ी पोस्ट कम है तो अब की बार कट ऑफ ड्राइवर की भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि हम ड्राइवर पोस्टते हैं तो ड्राइवर की भी कट ऑफ अच्छी रहेगी। और ड्राइवर टेस्ट में क्या होगा ये आपको अगले वीडियो में बता देंगे, एक गाड़ी लेके आपको पूरा वीडियो ही बता देंगे क्या क्या वो पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, और जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए। और सुनील जी और कुछ कहना चाहोगे लास्ट संदेश? बस यही है, कट ऑफ में जिसका नाम आ गया वो जी जान लगा देना, आराम से रेस निकल जाए, रेस का टेंशन मत लेना कोई भी, बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल रेस को माइंड नहीं करना है। ऐसे बंदों ने निकाली है जिन्होंने पहले दिन रेस की है, बस बिल्कुल ऐसे भी बंदे हैं, तैयारी नहीं की, ऐसे बंदे में तो मैं 1000 बता दूंगा हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल MDS बिल्कुल सच कह रहे हैं सुनील जी, की अगर पहली बार में भी दौड़ कर जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो बना के देंगे, अगर इस वीडियो अगर आप इस वीडियो को बढ़िया लाइक करते हो, पसंद करते हो, सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, आपको जो भी कुछ पूछना है कमेंट्स में आपको सुनील जी जवाब देंगे, 14वीं बटालियन के बारे में, REC की ड्यूटी के बारे में, और 8वीं बटालियन दिल्ली के बारे में कुछ पूछना हो तो मैं आपको जवाब दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।